से मैं मैडम वर्षाताई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कब्रिस्तान के मसले पे जब हम पहली बार बात किए और कब्रिस्तान के ये ट्रस्ट ने खास करके सोहेल भाई की तरफ से कुछ बातें रखी गई थी और उस बातों में दरगाह पर बात जब शुरू हुई तो यहाँ के कुछ इशूज थे जिसके लिए मैडम ने और मैडम की सरपरस्ती में वो काम शुरू हुए। कब्रिस्तान में काफ़ी सालों से लाइट का प्रॉब्लम था और जब रखा गया तो वो देख के हैरत हुई कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो कोरोना जैसे काल में भी सबसे पहले अगर कोई कब्रिस्तान की ट्रस्ट और यहाँ के जिम्मेदार ने कोई कब्रिस्तान बॉडी लेने को तैयार नहीं थे और उन्होंने फर्स्ट यहाँ से शुरुआत किया। उसके लिए मैं सोहेल भाई ने उसमें बहुत मदद किया। देखा होगा कि सबसे पहले एक बॉडी को जला दिया गया था और उस टाइम पे सोहेल भाई ने स्टैंड लिया और सब लोगों ने मिल के ऐसी एक तो अच्छी जगह और ये तो शहर खामोशा है और यहाँ पर सारे लोगों को रहना है तो ये ट्रस्ट ने जो शुरुआत की काम की और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सहयोग करके यहाँ पर काम किया और मैडम की सरपरस्ती में हम बहुत बड़े काम यहाँ पर कर चुके जो बहुत सालों से पेंडिंग थे। और जब मुझे मालूम पड़ा कि यह एक बहुत बड़ा जो टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत सालों से बाकी पड़ा हुआ था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, जब मैडम को बोला तो मैडम ने अपने बंगले पर मीटिंग लगाई और सारे अधिकारियों को बुला के और BST के अधिकारियों को बुला के बोला गया कि भाई इतने साल से इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ मीटिंग लगा के उसमें ये समझाया गया कि भाई यह क्यों नहीं हो रहा है। तो BST ने भी उस पर डायरेक्टली जी नॉर्थ के वार्ड ऑफिसर ने उस पर स्टैंड लिए और बहुत जल्दी हमारे ये काम हो चुके हैं और मैं मैडम को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस कब्रिस्तान के लिए मतलब बहुत पुराने जो काम थे वो हो गए और आने वाले दिनों में जो पेंडिंग काम है कुछ उन्होंने लेटर दिए हैं कुछ और हम उम्मीद करते हैं कि मैडम की सरपरस्ती में वो काम भी हम बहुत जल्दी करके देंगे। बब्बू खान जी, फंडिंग का ऐसे कामों में फंडिंग का काफ़ी बड़ा हाथ होता है तो फंडिंग के मामले में किस तरीके से फंडिंग मुहैया करवाया जाएगा इन सारे कामों के लिए? नहीं, अभी तक जो काम थे वो महानगर पालिका के काम थे तो वो महानगर पालिका अपने फंड से काम कर रही है और ज़रूरत लगेगी तो सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई फंड का अरेंजमेंट करके यहाँ के काम करके वो भी अप्रोच हुआ गवर्नमेंट के पास, उसमें भी हमारे को काफ़ी रियायत मिली। तो जो भी यहाँ की जो तकलीफ़ होती है तो इमीडिएटली हम लोग इनको बताते हैं और वो लोग सामने से हमारे लिए ये काम करके देते हैं। तो हम लोग भी ये काम जो है इसके लिए करते हैं बिकॉज ये एक सोसाइटी के लिए कॉम के लिए काम है। लोग यहाँ आखिरी स्थान है ये लोग का, तो जितना यहाँ बेनिफिट हम दे सके, जितना ईजी वे आउट कर सके उसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। सुनील भाई, मेरा सवाल आपसे है कि मुंबई में और भी ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनको कुछ और भी मदद की ज़रूरत है, आपके अगर ट्रस्ट के विजिट आएंगे क्या वो आगे आ सकते हैं और मदद के लिए? एक मुहिम भी चली थी पहले, वडाला में भी कब्रिस्तान का इशू चल रहा था जिसमें गवर्नमेंट से बात की थी तो वहाँ कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है कि और काफ़ी लोग ने उसको सपोर्ट भी किया है, वहाँ भी एक कब्रिस्तान मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो लोगों को गाइड करेंगी रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कब्रिस्तान, गवर्नमेंट से लाइजोनिंग, बिकॉज हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी मदद करेंगे। जो पहले चैरिटी कमिश्नर में था अभी वक्फ बोर्ड में है और यहाँ की बॉडी भी जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है। हम लोग खुद अभी ISO सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और जब कब्रिस्तान चला रहे हैं तो उसको हम लोग का लीगल जो है वो शरीयत के तौर पर भी देखते हैं और लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी देखते हैं और जितनी सहूलत जो हो सकती है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट्स आती है तो उससे जो भी बेनिफिट्स हमारे को मिल सकता है। यहाँ हमारे साथ में आज वर्षा ताई है, मुन्नू खान जी है। मैं सुबह ही नवी मुंबई जाके आई हूँ घनसोली में और सुबह 8 बजे से मैं स्कूल में जाके आई, दो स्कूल में गई, हमारे सभी अधिकारी आज स्कूल में जा रहे हैं और कोशिश यही है कि जब स्कूल शुरू हुए हैं तो सुरक्षित रहे हो, उसके लिए लगने वाली SOPs तैयार कर दी गए हैं, उसके लगे लगने वाले टीचर्स को कैसे बूस्टर डोज देना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के मामले में जो भी बात थी वो हमने ऑलरेडी बोल दी है और इसके ऊपर निगरानी रखने की पूरी जो है वो चिंता रखने का काम स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है। आज सभी शिक्षण अधिकारी, सभी डेप्यूटी डायरेक्टर ज़मीन पे हैं और सभी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ संवाद करके यही हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में बच्चों का कोविड की वजह से बहुत शैक्षणिक कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है तो हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में वो नुकसान हो, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से चिंता रखते हुए पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके हम स्कूल को शुरू करें। तो आज सुबह मैं 2 दिन स्कूल को जाके आई हूँ और अभी भी मैं हमारा कार्यक्रम जारी है तो मैं बहुत धन्यवाद दूँगी आप सभी का कि आप सभी यहाँ पे आए हमसे रूबरू। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, राहुल जी की AG द्वारा 3 दिन से इंक्वायरी चल रही है, क्या पक्ष रखना चाहेंगे? जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बात करता है उनके ऊपर ED, CBI और अलग अलग यंत्रणाएँ जो है काम करने का काम लगातार केंद्र के शासन से होता है। राहुल जी ने हमेशा ही लोगों की, जनता की आवाज़ बनके लोगों के प्रश्न उठाने का काम किया, चाहे वो कोविड कार्यकाल में आपको पता है कि वैक्सीनेशन की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो,
आज भी वो लगातार लोगों की आवाज़ बन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबाने का इस देश के संविधान और इस देश की लोकशाही को कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाने का करने का काम जो है वो इन सरकारी यंत्रणाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि देश के संविधान ने जो विरोधी पक्ष है उसको जनता का दर्पण जैसे आप मिल रहा है वैसा वो भी काम उनके माध्यम से होता है, लेकिन दुर्दैव से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ईडी सरकारी यंत्रणा का वापर करके एक तरह का दबाव तंत्र जो है वो लाने का काम केंद्र की सरकार के माध्यम से मोदी सरकार के माध्यम से होता है। तो मैं यही कहूँगी अगर लोकतंत्र हमें टिकाना है, लोकशाही, और हमें अगर देश का संविधान बचाना है तो हम सबको इसमें एकजुट संकल्प बन के आना होगा। जिस तरह से राहुल जी के ऊपर आज ये बात है, सोनिया जी के ऊपर बात है, आपको पता है वो केस क्या है, पीछे पुराने एकदम जमाने के कुछ केस निकाल के उनके ऊपर वो ईडी का नोटिस देने का काम होता है, आज हम देखते हैं अलग अलग लोगों को होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये दबाव यंत्र जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका हम धिक्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, हम आगे पीछे भी लड़े हैं, आने वाले दिनों में भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे खाजी कपूर खान सेठ भाई यहाँ पे है, और आज हम यहाँ पे जो है आपको पता है कि माहिम कब्रिस्तान का जो प्रॉपर्टी टैक्स था उसको कम करने का काम किया गया है, और साथ ही साथ में बहुत सालों से यहाँ पे लाइट नहीं थी, आज उस लाइट को खंभे का जो है उसका लगाने का काम होगा, यहाँ पे लाइट का प्रावधान जो है वो करने का निर्णय जो है वो काम हो गया है। और कुछ समस्या यहाँ पे है, जैसे आपको पता है कि टॉयलेट की समस्या है और कुछ समस्या है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में पूरी तरह से काम करने की कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पे लाइट और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको कम करने में सफल होंगे। तो वर्षा जी बताइए कि किस तरीके का नवीनकरण यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्लान है आगे? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जैसा आप सभी को पता है कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ दुरुस्ती की भी बात थी, यहाँ पे जैसा शौचालय की बात मैं कर रही हूँ, कुछ टनल की बात है, तो इस सभी मुद्दे के ऊपर लगातार बात होती रहेगी, और आने वाले दिनों में जो मुद्दे छूटे हैं उनको हमने काम कर दिया, लेकिन जो बचे हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लोगों को सुविधाएं देना, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ऐसी जगह है जहाँ पे सबका जीवन का सत्य है, सभी को यहीं पर अंत में आना है, और ऐसी जगह में हम अगर लोगों को सुविधाएं दे सके, एक अच्छा जो जो इनकी जो कमेटी है, जो कमेटी हमको बताती है जिस तरह से ये चीज़ें हमें चाहिए, जैसे उनको प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत प्रॉब्लम था, जैसे उनको लाइट का प्रॉब्लम था, उसमें टॉयलेट की बात करें, तो उसी समय की जो जो चीज़ें हैं उसको देने का हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा, ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो। वर्षा मैम, अगर मैं स्कूलों की बात करें, आप शिक्षण मंत्री हैं, तो मैम स्कूलों में आज से जो स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की तैयारियां स्कूलों में की गई है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन और जो है कोरोना के जो है पेशेंट जो है काफ़ी संख्या में महाराष्ट्र और मुंबई में नज़र आ रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियाँ? आज मैं सुबह ही नवी मुंबई जाके आई हूँ घनसोली में, और सुबह 8 बजे से मैं स्कूल में जाके आई, दो स्कूल में गई, हमारे सभी अधिकारी आज स्कूल में जा रहे हैं, और कोशिश यही है कि जब स्कूल शुरू हुए हैं तो सुरक्षित रहो, उसके लिए लगने वाली SOPs तैयार कर दी गए हैं, उसके लगे रहने वाला टीचर्स को कैसे बूस्टर डोज देना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के मामले में जो भी बात थी वो हमने ऑलरेडी बोल दी है, और इसके ऊपर निगरानी रखने की पूरी जो है वो चिंता रखने का काम स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है। आज सभी शिक्षण अधिकारी, सभी डेप्यूटी डायरेक्टर ज़मीन पे हैं, और सभी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ संवाद करके यही हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में बच्चों का कोविड की वजह से बहुत शैक्षणिक कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में वो नुकसान हो, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से चिंता रखते हुए पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके हम स्कूल को शुरू करें। तो आज सुबह मैं 2 दिन स्कूल को जाके आई हूँ, और अभी भी मैं हमारा कार्यक्रम जारी है, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी आप सभी का कि आप सभी यहाँ पे आए।